हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेटेस्ट लाइव वीडियो में, जिसमें अपन बेलन के समीकरण के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने कल बेलन का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें अपन ने बेलन के समीकरण मतलब पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, और थोड़ा बेलन की परिभाषा वगैरह पढ़ी थी। तो आज अपन बस उसी जो अपन ने कल विधि पढ़ी थी उससे रिलेटेड अपन आज उससे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अपन ने मैंने जल को आपको पढ़ाया था, वो बस इस क्वेश्चन और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हल कर सकते हैं, मतलब इसलिए मैंने उस विधि को आपको बताया था, मतलब उस विधि से अपन इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। तो अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन है कि उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू जेड अपॉन थ्री के समांतर है, तथा निर्देशक निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन और जेड इज इक्वल टू अपने पास जीरो है। ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन है, तो अपन इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए मैंने कल आपको सबसे पहले क्या लिखवाया था, समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले अपन जो समीकरण लिखे वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, समीकरण नंबर एक, और अपने पास जेड कितना है जीरो। ठीक है, फिर अपन क्या लिखेंगे, अपने पास जनक रेखा क्या दी हुई है, जनक रेखा दी हुआ वो उसको लिखेंगे। अपने पास क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू जेड अपॉन थ्री, और ये अपने पास समीकरण नंबर दो है। ठीक है, फिर अपन एक लाइन लिखेंगे कि दी गई रेखा, अपन ने क्या लिखेंगे, दी गई जनक रेखा के समांतर है। ठीक है, ठीक है, दी गई रेखा बेलन के समांतर है। ठीक है, तो वो लाइन लिखेंगे अपन यहाँ पे, दी गई रेखा रेखा बेलन के समांतर है। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस एक्स वन अपॉन वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस टू और जेड माइनस जेड वन अपॉन थ्री। ठीक है, ये अपने पास आ गया, फिर अपन इसमें क्या करेंगे, अपन y का मान रख लेंगे, तो अपने पास क्या आएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस टू और माइनस जेड वन अपॉन थ्री, समीकरण नंबर तीन। ठीक है, समीकरण नंबर तीन हो गई, आप पहले इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसमें क्या करेंगे, अपन यहाँ से x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, कि अपने पास x का और y का मान क्या आता है, सबसे पहले अपने यहाँ से निकालेंगे। तो आप तो पहले इतना उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर इसका एक्स और वाई का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास जो था नीचे से, तो वहां से अपने पास माइनस टू, यहाँ पर था वन, वन का नॉर्मल अपने पास माइनस जेड वन अपॉन थ्री, और अपने पास एक्स वन इधर आ जाएगा, और वाई का क्या होगा, अपने पास वाई वन इस साइड आ जाएगा प्लस में, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ से प्लस था माइनस का टू, यहाँ पर माइनस के जेड से गुणा करके टू जेड वन अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, टू जेड वन अपॉन थ्री हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक में इसका मान रखेंगे, समीकरण नंबर एक से, और समीकरण नंबर एक उसमें अपन मान रख दिया एक्स वन माइनस जेड वन अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वाई वन टू आगे आ जाएगा, फिर प्लस जेड वन अपॉन टू थ्री स्क्वायर अपॉन वन। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, तीन इधर चला जाएगा, फिर तीन को बाहर भी ले लेंगे अपन। ठीक है, ऐसे अपन थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स वन हो जाएगा, थ्री एक्स वन माइनस जेड वन का होल स्क्वायर अपॉन का नाइन। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा टू अपॉन नाइन, और यहाँ पर भी थ्री वाई वन, ठीक है, फिर प्लस टू जेड वन अपॉन इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे, नाइन अपना इधर चला जाएगा, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास अपना आएगा नाइन एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस नाइन प्लस जेड वन का होल स्क्वायर प्लस अपने पास आएगा सिक्स माइनस, सॉरी, सिक्स एक्स वन जेड वन प्लस, यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, अपने पास इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो इसका भी अपने पास क्या आएगा, बाहर ही रहेगा, यहाँ पर अपने पास इसका भी आएगा नाइन
वाई वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, फोर जेड वन का स्क्वायर प्लस अपने पास क्या आएगा यहाँ पर प्लस कितना आएगा सिक्स और ट्वेल्व वाई वन जेड वन इज इक्वल टू अपने पास नाइन, इस साइड आ जाएगा ठीक है। फिर अपने पास यहाँ पे नाइन एक्स वन स्क्वायर सेवन स्क्वायर प्लस क्या करेंगे सिक्स एक्स वन जेड वन प्लस यहाँ पे एट्टीन वाई वन का स्क्वायर प्लस एट जेड वन का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर वाई वन जेड वन इज इक्वल टू नाइन ठीक है। देखिए ये अपने पास ना हो गया, फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसका जो जोड़ रहा है उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर अपने पास नाइन हो जाएगा, इसका भी यही अपने पास नाइन है और यहाँ पर एट्टीन है ठीक है। तो अपना नाइन कॉमन ले लेते हैं पहले, नाइन एक्स वन स्क्वायर प्लस टू वाई वन का स्क्वायर यहाँ पर टू आ जाएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एट्टीन बचा है ठीक है। यहाँ पर एट्टीन है तो यहाँ पर नाइन कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा टू वाई वन, फिर यहाँ पर लेंगे तो जेड वन का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास ठीक है। फिर माइनस सिक्स एक्स वन जेड वन प्लस टू फोर वाई वन जेड वन इज इक्वल टू और ये यहाँ पर माइनस नाइन इस साइड और जीरो और अपने पास ये आंसर आ गया ठीक है। तो नॉर्मली अपन ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं जो कल करवाया था बस वो आज का अपन ने यहाँ पर अपन ने मान रख के किया है ठीक है। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखी, फिर अपने पास जो जनरल लिखा थी वो लिखी, फिर उसके बाद अपने नॉर्मली एक्स और वाई का मान निकाला, फिर एक्स और वाई का मान समीकरण नंबर एक में रख लिया और नॉर्मली हमारे पास ये समीकरण आ गई है ठीक है। तो आप पर इतना बता लीजिए, फिर अपन इसके बाद नया क्वेश्चन हल करते हैं ठीक है। फिर आपको इसमें थोड़ा और क्या करना है कि यहाँ पर आपको लिखना है बिंदु एक्स वन वाई वन जेड वन का बिंदु पर ठीक है। बिंदु एक्स वन वाई वन जेड वन का बिंदु पर लिखना है, यहाँ पे लिख बता देता हूँ बिंदु एक्स वन वाई वन जेड वन का बिंदु पथ लिखना है तो वह कैसे आपको लाइन लिख लेना बिंदु x1 y1 z1 का बिंदु पथ और बस आपको नॉर्मली क्या करना है यहाँ पे जो x1 y1 z1 x1 z1 दिया हुआ है उसके जो बस आपको x y z x y z x y z नॉर्मली रखना है ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है इतना आपका आंसर आ गया, इतना आ गया आपके पास ठीक है। तो इसको आपको लिखना है बिंदु x1 y1 z1 का बिंदु पथ और नॉर्मली बस ये का ये आपको लिखना है, बस यहाँ पर जो x1 y1 z1 है उसकी जगह आपको x y z रखना है ठीक है। उसके अलावा आपको कोई नहीं करना, वो आपका फाइनल आंसर है ठीक है। अब इतना कर लीजिए ठीक है। और अपने पास ये क्वेश्चन है ठीक है, अपने पास नॉर्मली क्वेश्चन था उसमें अपने जनरल का ये दी हुई है और निर्देशन वक्र भी वही का वही है, बस आपने क्या चेंज किया अपन ने z इज इक्वल टू अपने थ्री लिखा, वहाँ पर z इज इक्वल टू क्या था जीरो था। नॉर्मली अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को समीकरण नंबर एक लिखनी है, अपन को इक्वेशन ऐसे कैसे लिखनी है अपने पास है ठीक है। फिर अपन को करना है जनक रेखा लिखनी है ठीक है। फिर अपन को क्या लिखना है, अपन को नॉर्मली अपन ने जो दिया हुआ है जनक की दी गई रेखा बेलन की जनक रेखा के समांतर है तो अपन को एक्स माइनस एक्स वन अपॉन वन वाई माइनस वाई वन अपॉन माइनस टू और जेड माइनस जेड वन अपॉन थ्री, यहाँ पर अपन ने जेड का मान क्या दिया हुआ है थ्री दिया हुआ, तो जेड का मान रख दिया अपन ने क्या रखा वाई वन अपॉन माइनस टू और बस क्या आया अपने पास थ्री माइनस जेड वन अपॉन थ्री आ गया ठीक है। इतना अपन ने कर लिया, फिर अपन क्या करेंगे यहाँ से अपन एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो एक्स का मान अपने पास क्या आ रहा है, एक्स का मान अपने पास क्या आ रहा है वन ऐसे कैसे, फिर यहाँ पर क्या आएगा एक्स वन माइनस थ्री माइनस जेड वन अपॉन थ्री अपने पास एक्स का मान और वाई का मान क्या अपने पास माइनस टू इधर क्या, तो क्या हुआ अपने पास माइनस का थ्री माइनस का सिक्स ठीक है। फिर यहाँ पर माइन प्लस का टू जेड वन अपॉन थ्री और अपने पास क्या आएगा वाई वन ठीक है। इतना हो गया तो आप इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस क्या करना है यहाँ पर इसका मैंने इतना कर दिया है कि बस आपको यहाँ पर ये जो अपन ने इतना करना है और यहाँ पर अपने एक्स और वाई का मान निकाल के बस ये जो मान है वो इसमें रखना है आपको ठीक है। फिर आपका नॉर्मली आंसर आ जाएगा ठीक है। अगर आपके ये क्वेश्चन हल ना हो और आपको इसमें प्रॉब्लम आती हो कि आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको का आंसर बता दूंगा आपके मतलब कमेंट सेक्शन में ठीक है, पिन कर दूंगा तो आप लिख सकते हैं ठीक है। तो
इसका आंसर देख आप सॉल्व करना और देख लेना कि इसका आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अपन इसके बाद अपन लंबवृत्तीय बेलन पढ़ने वाले। ठीक है, और अपना ये एक टॉपिक अपना पूरा हो गया बेलन के अंदर, कि बेलन का समीकरण वाला टॉपिक अपना पूरा हो गया है, और अपन पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, तो अब कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप पहले ये पढ़ लेना। ठीक है, तो अपन को आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड वॉचिंग, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे से आगे शेयर कीजिए।